मैंने ड्रिंक बहुत ज्यादा की सी। मैं लड़की का प्यो सीगा अंदर रिवॉल्वर लेके आया, उन्हें अद्धा उपर हवाई फायर कर लग गया। मेरी बेटी उत्थे खड़ी होकर देख रही सी, सीधी गोली ओदे मत्थे ते इत्थे आर पार हो गई। नहीं थम रहा शादी समारोह में फायरिंग का सिलसिला। शादी समारोह में फायरिंग से लड़की की मौत। पंजाब में आए दिन शादी समारोह के दौरान की जाने वाली शौकिया फायरिंग का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। आलम ये है कि इस फायरिंग में लोगों की जान भी जा रही है, लेकिन लोग इससे सबक लेने की बजाय शादी समारोह में गोलियां चलाना शान मानते हैं। ताजा मामला एक बार फिर देखने को मिला होशियारपुर में, जहां मोहल्ला छत्ता बाजार में लड़की की शादी से एक दिन पहले जागो के दौरान लड़की के पिता व उसके दोस्त को गोली चलाकर अपनी खुशी का इजहार करना महंगा पड़ गया। डीजे पर नाचते हुए चलाई गोली पास में रहने वाली लड़की साक्षी अरोड़ा के सर में जा लगी, जिससे साक्षी अरोड़ा की मौके पर ही मौत हो गई। लड़की अपने मकान की छत पर भंगड़ा देख रही थी। घटना के बाद से समारोह में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हथियार को कब्जे में ले लिया, लेकिन आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। विवाह समारोह में गोली चलने और मौत होने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ऐसे मौके पर हथियारों के इस्तेमाल के चलते बहुत से लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है, लेकिन ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। ਉਹ ਨੱਚਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਿੰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀਗਾ ਅੰਦਰ ਰਿਵੋਲਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਧਾ ਉੱਪਰ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਰ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਰਾਤੀ ਤਾਂ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੜਕੀ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਲੜਕੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ? MBA ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ? 22 ਸਾਲ। होशियारपुर से अंकुश गोयल की रिपोर्ट।